जब भी कुछ टेस्टी और चटपटा खाने का मन हो तो आप इस आलू कचौरी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और हाँ, अगर रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी हुई घंटी को जरूर दबाएं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आलू की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है, उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 2 चम्मच जितना तेल डाल देंगे। तेल को हम मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, हम उसमें पानी डाल देंगे और पानी डाल के हम उसका एक सख्त डो प्रिपेयर करेंगे। डो को हम यहाँ पे बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे डो को प्रिपेयर कर लिया है, बस उसको हम थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेंगे। जैसे ये तेल से अच्छे से ग्रीस हो जाएगा, हम उसको ढक के छोड़ देंगे। तो अब हम चलते हैं स्टफिंग बनाने की ओर। तो आलू की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 3 से 4 चम्मच जितना तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, 1/2 चम्मच जितना जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी अदरक की पेस्ट डाल देंगे और 2 से 3 हम उसमें लौंग डाल देंगे। कुछ सेकंड्स के लिए उसको हम पकाएंगे। जैसे ही ये पक जाएगा, हम उसमें आलू डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 आलू को उबाल के रख दिया था और उसको मैश कर लिया है। बस उसमें हम 1/2 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, 1/3 चम्मच जितनी हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जितना धनिया पाउडर, 1/3 चम्मच जितना नमक डाल देंगे और थोड़ी सी दालचीनी पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी किशमिश और लास्ट में हम 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। सभी को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारी आलू स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं कचौरी बनाने के लिए। उसके लिए हमने जो डो प्रिपेयर करके रखा है, उसको हम पहले एक बार गूंद लेंगे और उसके बाद हम उसमें से थोड़ा पोर्शन निकाल के उसका हम बॉल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बॉल्स को प्रिपेयर कर लिया है। उसी के साथ हमने जो आलू की स्टफिंग प्रिपेयर की है, उसके भी हम छोटे छोटे बॉल्स बना देंगे। तो बस उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये बॉल लेंगे और उसको हम ऐसे चारों तरफ से प्रेस करते हुए कप जैसा आकार प्रिपेयर करेंगे और बीच में हम ऐसे आलू को भर देंगे और उसको प्रेस करते हुए चारों किनारियों को ऐसे हम नज़दीक लाके उसको हम ऐसे बंद कर देंगे और बाकी बचा हुआ पोर्शंस जो है उसमें से हम निकाल लेंगे। तो बस अभी हम उसको हल्का सा प्रेशर देके बेल लेंगे ताकि उसमें से आलू की स्टफिंग बाहर ना जाए। उसको हमें पूरी के सेप जैसा बेलना है, ये देखिए। बस अब चलते हैं उसको फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में तेल को हल्का सा गर्म कर लिया है, उसमें हम पूरी इसको डाल देंगे और उसको हम पहले लो फ्लेम पे तरेंगे। जैसे ही ये थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और उसको हम ऐसे पलट देंगे और उसको हम ऐसे उलट पुलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए पकाएंगे। 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो उसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी कचौरी इसको तैयार कर लिया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।